गाइस, हमारे पाए का शोरबा रेडी हो गया और जो हमने तंदूरी रोटी बनाए थे माशाल्लाह वो भी रेडी हो गई है। देखिए किस तरह से माशाल्लाह हमारी तंदूरी रोटी भी तैयार हो गई है, एकदम नरम है और कड़क भी ज़रा भी नहीं है। आप भी सेम इसी मेथड से पाए का शोरबा और तंदूरी रोटी बनाइए घर पर और मुझे प्लीज़ ट्राई करके कमेंट करिए कि बताइए कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।